मैं जो है सो 84 से फील्ड में हूँ। मेरा पहला शो दुबई में करा था, एक शाम निकॉन के नाम शो करा था। और सेकंड शो हमारा था मोहम्मद अली साहब, जितेंद्र साहब, गोविंदा साहब और असरीन साहब के साथ था, हमारा सर के साथ था। उसके बाद मैं दुबई में कई साल प्रोग्राम करा, उसके बाद हैदराबाद में आया। हैदराबाद में कई एक स्टेज शो कर रहा था, करते करते फिर जो है सो ये फंक्शंस के प्रोग्राम ये वो करे। और ये स्टेज शो हम लोग एक ज़माने से कर रहे हैं। पब्लिक जो है सो आजकल स्टेज शो को भूल गई है, तो इसीलिए जो है सो हम दोबारा ट्राई का वो शो चल रहा, लेकिन लाइव शो की बात अलग रहती है। स्टेज शो का मजा कुछ और रहता है, तो स्टेज शो की जो है सो ये करने का हम प्लान कर रहे हैं। हमारे सीजन 2 पहला हम शो करे थे एक शाम सुबह का नाम, और ये सीजन शो हम कर रहे हैं ये आज की शाम, ये शाम सुरबहार के नाम लेके करें। और आज मेरे हाथ शरीफ साहब, मैं फिर एक बार आप सभी मीडिया के जितने भी आए हुए हैं, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग आप लोग का नाम नहीं लिया, आप लोग का बहुत बहुत टाउन रहा, आप लोग का बहुत बहुत कॉपरेशन रहा हमारे साथ। नेक्स्ट मेरा शो इंशाल्लाह जनवरी में मैं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मार्च या फरवरी में हम एक बड़ा प्लान कर रहे हैं ओपन थिएटर में करने का, तो इंशाल्लाह आप लोग को जल्दी अपडेट आ जाएगी। नहीं, हैदराबाद में करेंगे, ओपन थिएटर में करेंगे, या ना तो फलेखपुर स्टेडियम में करेंगे, हाईकोर्ट के आगे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द एक बड़ा शो करेंगे, सोच रहे हैं अभी, देखेंगे। अगर कोई हम सेलिब्रिटी बुलाए बॉम्बे से या बॉलीवुड बुलाए तो जरूर हम टिकट रखेंगे। जाने वाले टीम हमारे पास इस वक्त 5 है, 6 है अलॉन्ग सर मिला के 6 है। तो ये सभी मेरे ग्रुप के हैं और सभी प्रोग्राम्स करते हैं हम लोग डेली। कुछ कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। गांधी भवन में जो प्रोग्राम चल रहा है ये शाम सुबहार इंटरनेशनल म्यूजिकल ग्रुप के साथ चल रहा है। सलाहुद्दीन साहब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और करिश्मा मैडम का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत ही बेहतरीन पैमाने पर, बड़े पैमाने पर ये शो होता है और हमेशा करते आते हैं, और ऑडियंस का जो टेस्ट होता है, ऑडियंस को जो पसंद होती है, वो टेस्ट को रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए उसी तरह का सिलेक्शन करते हैं सर। सलाहुद्दीन साहब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और आप मीडिया पर्सन का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, जिनकी वजह से हम सारे लोग दुनिया के हर कोने तक न्यूज़ पहुँचाई जाती है। सभी मीडिया पर्सन का शुक्रिया अदा करते हुए, खास करके सलाहुद्दीन साहब और करिश्मा मैडम का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, जिनकी वजह से बहुत सारे प्रोग्राम सक्सेस होते। सिर्फ मकसद ये है कि सलाहुद्दीन साहब का जो करोके ट्रैक से हटकर जो लाइव प्रोग्राम होता है उसकी बात ही कुछ और होती है, क्योंकि ओरिजिनल ओरिजिनल ही होता है। तो वो ओरिजिनल को कायम रखने के लिए ये प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं। इंशाल्लाह इसके बाद जो प्रोग्राम होगा बहुत ही बड़ा प्रोग्राम होगा, और सभी ऑडियंस से यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से ये प्रोग्राम को सपोर्ट किया, स्पॉन्सर्स ने जिस तरह से इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया, इंशाल्लाह उस प्रोग्राम को भी काफी सपोर्ट करेंगे, ये उम्मीद रखते हुए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं आप सबका दोस्त आजाद खान। आज हम लोग गांधी भवन आए हुए हैं, जो आज बहुत बड़े पैमाने पर इवेंट हो रहा है। यहाँ पर सिंगिंग का शो है सुरबहार के नाम एक शाम बोलकर, जो हमारे सिराजुल खान साहब ऑर्गेनाइजर है इसके और इंचार्ज भी है, जो भाई की सरपरस्ती में प्रोग्राम हो रहा है। जैसे कि आप देख चुके हैं कि थिएटर हाउसफुल हो चुकी है और फ्री एंट्री थी, अगर भाई टिकट भी लगाते तो थिएटर फुल हो जाती थी आज। तो भाई हैदराबाद शहर में 20 से 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं इवेंट्स करते हुए, शादी, वलीमा, ब्याह, खतना के फूल, सालगिरह, चाहे कोई भी फंक्शन हो, भाई कहने आड़ रहा था। आप लोग भी देखिए, भाई को आर्डर दीजिए, सिंगिंग के प्रोग्राम चलाते हैं भाई, ऐसे ये भी शो भी करते हैं, और बहुत खुशी हुई आज प्रोग्राम में आकर के। आज बहुत ज्यादा पब्लिक क्राउड हुआ है, और मैं तमाम मीडिया पार्टनर का, हमारे न्यूज 14 का और न्यूज टाइम का और हमारे MH चैनल का और AYAN चैनल का और एक न्यूज चैनल का भी मैं तमाम मीडिया पार्टनर का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो अपना कीमती वक्त यहाँ पर आकर हमारे सिराजुल खान साहब की, हमारे भाई के शो को कामयाब करे और आपका कीमती वक्त दिए। और आप लोग भी अगले प्रोग्राम की टाइमिंग दे चुके हैं, आना मत भूलिए, और इस चैनल्स को, तमाम चैनल्स को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन मगर आपका दोस्त आजाद खान। फिर बाद में ना कहना कि आजाद खान तुमने ये कहा हमें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों, मैं मिसेस सलाउद्दीन खान, करिश्मा सिंगर, एज ए मैं ऑर्गेनाइजर भी हूँ। आज कई सालों से हम लोग जो शादी खाने में प्रोग्राम करते वो तो करते ही रहते, और ट्रैक प्रोग्राम भी बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन ये थिएटर शो जो करके जो मजा आ रहा हम लोगों को, कई दिनों से हम लोग कर रहे थिएटर शो,
जो काफ़ी धूम मचा रहे हम लोग पब्लिक में, और पब्लिक का रिस्पांस भी अच्छा रहा। इससे पहले हम लोग करे तो पब्लिक का जो रिस्पांस से हम लोग फिर से उन लोगों का डिमांड से फिर से ये शो कर रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेस जा रहा। और आप लोग दुआ कीजिए कि सलाउद्दीन खान और करिश्मा खान आप लोगों के बीच में ऐसे ही प्रोग्राम लाते जाए और एंटरटेनमेंट करते जाए, पब्लिक को खुश करते जाए। शादी खाने में तो हम लोग प्रोग्राम करते रहते, लेकिन जो ये थिएटर शो में जो पब्लिक का जो मज़ा आ रहा है, जो चीख पुकारे जो रह रहे, जो हैदराबाद में हम जो धूम मचा रहे, ये ऐसे ही करते जाए। और आप लोग दुआ कीजिए कि हम लोग ऐसे आगे बढ़ते जाए। खराब और खास बात यह है कि सुरबहार जो शाह है, तो एक टाइम था कि स्टेप दम तोड़ दिया था, मैंने जो छोटे मोटे प्रोग्राम कर रहे हैं, रात के गा रहे हैं, तो वो मज़ा नहीं आता है। तो हमने एक नया कदम उठाया, लाइव शो किया, तो ये सक्सेस हुआ और हमारे ऑडियंस की हिम्मत अफजाई रही और आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। और ये हमारे सलाउद्दीन साहब ने जो मेहनत की है उसका सिला है, जो आप देख रहे हैं ये शो कामयाब है। और हम चाहते हैं कि ये शो को हमेशा कामयाब रखें, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि हम अच्छे से अच्छा प्रोग्राम करें। हम चाहते हैं कि आप हमारी दुआ, आप लोगों की दुआ चाहिए, कुछ तो कुछ हम आगे कर सकें। थैंक यू वेरी मच।